आज हम अहमदाबाद में विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के अध्यक्षों से, विश्वकर्मा समाज के सभी नेताओं से, सामाजिक सुधार और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से यहाँ मिलेंगे और विश्वकर्मा समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक स्थिति पर चर्चा करने का काम करेंगे। कल 15 दिसंबर को ये नरोडा रोड पर उदय ग्रीन में विश्वकर्मा समाज का जन जागृति एवं चिंतन शिविर प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे गुजरात के सभी जगहों से लोग यहाँ पर आएंगे और विश्वकर्मा समाज के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में, उनकी राजनीतिक भागीदारी के बारे में और विश्वकर्मा समाज की जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे और एक सहमति बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी विश्वकर्मा समाज सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहा है। हमारी आबादी पूरे देश में, गुजरात में 5.5% से ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हमें कहीं नहीं मिली है। लोकसभा में हमारा कोई आज तक सांसद नहीं है, सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं है। विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, विश्वकर्मा समाज की तमाम समस्याएं हैं, उसको न तो सरकार सुन रही है, न तो सरकार में बैठे हुए अधिकारी सुन रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में विश्वकर्मा की बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद बलात्कार किया, उसके बाद जब वो न्याय मांगने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाई तो उसे जो है जिंदा जला दिया गया। और इसकी जो है सरकार को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई है। तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, अत्याचार केवल विश्वकर्मा समाज के लोगों पर हो रहा है। ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, मकानों पर कब्जा हो रहा है, विश्वकर्मा समाज की बहु बेटियों के साथ गलत काम किया जा रहा है, नौजवानों की हत्याएं की जा रही हैं और सरकार में हमारा कोई प्रतिनिधि, हमारा विश्वकर्मा कोई मिनिस्टर नहीं बैठने के कारण इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तीन तमाम मुद्दे हैं। विश्वकर्मा समाज के रोजगार का सवाल है, कारीगर आयोग बनाने का सवाल है, विश्वकर्मा समाज के लड़कों को नौकरी देने का सवाल है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे दो दिन बैठ करके यहाँ पर और एक रणनीति बनाने का काम करेंगे और सरकार पर दबाव डालने का काम करेंगे कि विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक भागीदारी दीजिए, विश्वकर्मा समाज का मंत्री बनाइए ताकि विश्वकर्मा समाज की समस्याओं का हल निकाला जा सके। निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हम इतने ताकतवर हैं, हमारी आबादी, हमारा वोट इतना है, हम सरकारों को बना सकते हैं। तो अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो सरकारों को हम पलट भी सकते हैं। हम समाज के लोगों से कहेंगे कि या तो हमारी मांगे मानो या नहीं तो हम सरकार को भी पलटने के लिए तैयार आगे आने वाले दिनों में रहेंगे। कल का जो प्रोग्राम है, हिंदुस्तान आज़ाद हुए अभी तक हमारे समाज जो विश्वकर्मा समाज है वो गुजरात में एक मंच पर नहीं है, पूरे गुजरात में अलग अलग संगठन बने हुए हैं। लोहार, सुथार, गज्जर, मेवाड़ा, सथवारा, कड़िया, वो कभी एक मंच पर नहीं आए। उनको पूरे गुजरात में जितने भी अपने अपने स्तर पर संगठन चल रहे हैं उन संगठन को चलने देना है। उसके अलावा पूरे गुजरात में एक ऐसा फेडरेशन बनाना है ताकि कारीगर समाज एक मंच पर आवे, क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अभी तक उन्होंने विश्वकर्मा समाज और वंश परंपरागत कारीगर के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। उस प्लेटफॉर्म के लिए हम सरकार से अपना आवेदन पत्र देंगे और सरकार से जितनी भी हमारे अभी तक गुजरात में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अभी तक वो बीजेपी हमारे साथ में अनदेखी कर रही है। तो हमारे जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं उनको साथ में रखकर उनसे अपनी मांगें रखेंगे और एक सरकार में अपनी भागीदारी और अपने विश्वकर्मा समाज के संरक्षण के लिए सरकार से मांग करेंगे। और सबसे पहला हमारा सभी लोगों से मिलकर के हमारा सरकार में एक आयोग बने, कारीगर बोर्ड बने और कारीगरों के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहरी लेवल पर सरकार कुछ न कुछ हमारे बच्चों के लिए, रोजी रोजगार के लिए कुछ प्लॉट या उनको इलेक्ट्रिक की सुविधा और बैंकों की व्यवस्था करके उन बच्चों को रोजगार के लिए ऊपर उठाने के लिए काम करें। ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए अलग से टेक्नोलॉजी कॉलेज और हॉस्टल होनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे वहाँ पढ़े और हमारा जो पुश्तैनी धंधा है वो आगे बढ़े और हमारे समाज में कुछ विकास हुए।
पूरे गुजरात में आज दिन तक मालदारियों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, खेडूतों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, आदिवासियों के लिए योजना बनाई जा रही है, अल्पसंख्यकों के लिए योजना बनाई जा रही है, और जितने भी जो सक्षम लोग हैं उनके लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाएं बना रही है। लेकिन अभी तक विश्वकर्मा समाज, कारीगर समाज के लिए पूरे गुजरात में अभी तक कोई योजना नहीं है और उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए सब विश्वकर्मा समाज की जितनी भी जाति हैं, अपनी संगठन, उद्योगपति, सरकार में बैठे प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि, उन सबको एक मंच पर लाके हम आगे का कार्यक्रम एक मंच पर लाके आगे का सरकार के सामने हमारी योजना बनाने के लिए और हमारे हक मांगने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं और एक फेडरेशन तैयार करना है, उसके लिए कार्यक्रम रखा है।